स्वागत है आपका आज की तारीख में। भौंकने वाले करोड़पतियों का गांव, नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा आपको। करोड़पति और वो भी भौंकने वाला, जो भौंकता है यानी कुत्ते, वो करोड़पति कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये बेमेल संयोग बना है गुजरात में, जहां और गुजरात के गांव में, जहां के कुत्ते करोड़पति बन गए हैं। एक दो नहीं, गांव के सारे कुत्ते। आपको उस गांव में लेकर चलते हैं, ये याद दिलाते हुए कि फिल्म में आपने एक बार करोड़पति कुत्ता देखा होगा, लेकिन यहां तो सड़क पर रहने वाला हर कुत्ता करोड़पति बन चुका है। गुजरात के मेहसाणा जिले का पांचोट गांव। गांव में दोपहर के वक्त इसी तरह सन्नाटा पसरा रहता है। आगे बढ़ने पर एक आम गांव की तरह यहां पर भी सड़क पर कुत्ते भौंकते दिखते हैं, लेकिन तभी एक घर पर नजर पड़ती है। गुजराती में लिखा है रोटला घर, मतलब जहां रोटी मिलती है। भीतर जाकर देखें तो महिलाएं गेहूं साफ करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस गेहूं की रोटी इन्हीं कुत्तों को खिलाई जाती है, लेकिन गांव की महिलाएं कुत्तों के लिए रोटी क्यों बनाती हैं और ये कुत्ते करोड़पति कैसे बन गए, ये कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। 125 साल पहले जब गांव बसा तो 10-12 लोगों ने बेजुबान कुत्तों के नाम पर जमीन दान दे दी। पुण्य कमाने के लिए दान दी गई जमीन करीब 35 बीघा थी। वक्त बीता तो जिन लोगों ने जमीन दान दी उनके बच्चों ने ट्रस्ट बना दिया, लेकिन एक अनसुने गांव की जमीन से कुत्ते कैसे करोड़पति हो गए, ये सवाल लेकर हम कुत्रिया ट्रस्ट के प्रमुख मधुभाई चोकसी से मिले तो पता लगा कि गांव की जमीन की कीमत अब करोड़ों में हो गई है। हमारे गांव में करीब 125 से भी ज्यादा कुत्ते हैं, तो और जमीन की कीमत करीब 1.5-2 करोड़ रुपया से एक एक बीघे की है, मतलब कि 40 से 50 करोड़ जमीन की कीमत होती है। इसलिए हमारे गांव के कुत्ते को करोड़पति माना जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि भी पांचोट के कुत्ते भी करोड़पति है। यानी करोड़ों की जमीन ने आवारा कुत्तों को करोड़पति बना दिया। रिकॉर्ड में जमीन असली मालिकों के नाम पर ही है, लेकिन जो ट्रस्ट जमीन की देखभाल करता है उसका काम सिर्फ कुत्तों को संभालना है। लेकिन गांव की जमीन का भाव करोड़ों में क्यों है, इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में आपको मिलेगा। ये राधनपुर मेहसाणा बाईपास की तस्वीरें हैं, जहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। ये बाईपास पांचोट गांव के बगल में होकर गुजर रहा है और नतीजा कौड़ियों की जमीन करोड़ों के भाव में हो गई है। ये बाईपास सर्कल जो हुआ तो इसके हिसाब से इतना भाव बढ़ गया कि वहाँ 5-5, 6-6 करोड़ रुपया सर्कल के बाजू में तो भाव चल रहे हैं, और इसके हिसाब से हमारे गांव की ज़मीनों का भाव भी बढ़ता चला जाए। किसान जमीन यहाँ महंगी जमीन बिक के पीछे जमीन खरीदते हैं, इसलिए भाव बढ़ता जा रहा है। अभी ये पांचोट के सिम में जो लैंड है उसका करीबन एवरेज 3 करोड़ रुपया पर बीघा का रेट चल रहा है। इधर इसके स्वान सब करोड़पति है। गांव की जमीन की कीमत करोड़ों में है, लेकिन बिकी तो है ही नहीं। फिर ट्रस्ट कुत्तों की देखभाल कैसे करता है? जवाब मिला, गांव की जमीन लीज के लिए 5 साल पर देने के लिए बोली लगाती है। जो ज्यादा पैसे देता है उसे जमीन खेती के लिए मिलती है, और उसी पैसे से कुत्तों के लिए खाने का इंतजाम हो जाता है। हमारे गांव में हर 5 साल में गांव इकट्ठा होता है और सर्वे नंबर के मुताबिक उसकी रेंट या तो उधेड़ बोलते हैं वो बोली बोली जाती है, जो ज़्यादा बोली बोलता है उसको वो सर्वे नंबर दिया जाता है, और हर साल वो आदमी हमारे यहाँ हमारी कमेटी में वो उधेड़ की रकम जमा करवाता है। वो सब इकट्ठी करके हम उसमें से कुत्तों के लिए सीरा बनाते हैं और तो रोटला बनाते हैं और सभी कुत्तों को हम बांटते हैं। यहाँ हर दिन 20 से 30 किलो आटे से करीब 80 रोटला यानी मोटी रोटी तैयार की जाती है, और गांव के 11 जगहों पर कुत्तों को रोटी दी जाती है। त्योहार के वक्त खास मिठाई कुत्तों के लिए बनती है। हमारी महिला बहनें सुबह में 7 बजे आके इसमें से रोटी बनाते हैं, पकाते हैं और कुत्तों को खिलाते हैं।
आज करोड़ों का बहुत कैसा लग रहा है आपके, कैसे चीज़ों? किसी को कुछ नहीं लगता, सब नॉर्मली अपने बिजनेस में खड़े जाते आते हैं, उसमें कुछ सोचते भी नहीं है। जमीन के बदले ट्रस्ट को हर महीने 1,00,000 रुपए मिलते हैं, यानी सालाना 12,00,000 रुपए, जिससे साल भर कुत्तों को खिलाने का इंतजाम किया जाता है। और इस तरह गांव के कुत्ते करोड़पति होकर भी सड़क पर रहते हैं। लेकिन इन कुत्तों को आवारा समझने की भूल ना करना, क्योंकि हर कुत्ता करोड़पति हो चुका है। और ये कहानी फिल्मी नहीं है। मेहसाणा से अरुण नागौरी की रिपोर्ट। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।